वेल फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आज मैं जो अपना वेगा का जो हेलमेट है उसको मैं आज वॉश करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इसको वॉश नहीं किया है और बहुत ही ज़्यादा ये गंदा हो गया है। हाँ, ये थोड़ा सा पुराना है क्योंकि बहुत पहले मैंने इसको लिया था, लेकिन अंदर से जो है इसका डस्ट बहुत ज़्यादा ये डस्टी हो गया है। और अगर आप देखो तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से ज़्यादा ये बहुत ही ख़राब हो गया है। तो देखिए, जैसे मैं टिश्यू लेता हूँ और टिश्यू से अगर मैं यहाँ पे स्वाइप करूँगा तो आप देखना कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डस्ट निकल रहा है। और ऐसे ही साइड में और अंदर की तरफ जो है अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है डस्ट पार्टिकल्स बैठ गया है। इससे क्या होता है कि आपके हेयर में जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ये दिख रहा है आपको, देखिए कितना ज़्यादा जो है इसमें डस्ट है, जिससे क्या होता है कि आपके हेयर जो है उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए जो है आपको महीने में एक बार या फिर हो सके तो 15 दिनों में एक बार आपको जो है इसको वॉश करना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहला फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत लगेगी। तो सबसे पहला हो गया, ये हेलमेट को मैं साइड में रख देता हूँ, और इसके लिए बस थोड़े से टिश्यूज चाहिए होगी आपको, और एक आपको लगेगा स्क्रू, आप इसको स्क्रू ड्राइवर कीजिए, मैं तो इसको जुगाड़ कहता हूँ, मेरे बाइक में हमेशा से रहता है ये, एक ये ले लीजिए। और इसके अलावा जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉलिन की। कॉलिन इसीलिए क्योंकि वो जो इसका सामने का जो फाइबर मास्क जो होता है उसको क्लीन करने के लिए, तो कॉलिन मैंने इसके लिए लिया है। तो बस आपको जो है इतनी चीज़ें, तीन चीज़ें जो है आपको लगेगी। तो चलिए मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसको कैसा खोलते हैं और कैसा इसको जो है आप इसको साफ कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने स्क्रू ड्राइवर ले लिया और मैं आपको बताता हूँ कि कैसा। यहाँ पे देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू जो दिख रहा है आपको इसको खोलना है। इसको प्रेस कीजिए, ये ध्यान से देखिए, बहुत ही छोटा होता है स्क्रू। ये आपने ये निकाल दिया, साइड में रख दीजिए इसको, और ये स्क्रू आपने निकाल दिया, इसको भी साइड में रख दीजिए। फिर ये आ गया आपका दूसरा, और जो है इसको भी थोड़ा टाइट होता है तो आप इसको भी जो है निकाल दीजिए। ये जो स्क्रू है इसका, इसको भी साइड में रख दीजिए। तो ये देखिए, ये शेप आपका अलग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मास्क, तीनों अलग अलग। तो देखिए कितना डस्ट है यार, इस पर दिख रहा है आपको, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ये डस्ट इसके ऊपर बैठ गया है। और अगर आप यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो देखिए कितना ज़्यादा डस्ट है, देखिए। तो ये डस्ट को हमको क्लीन करना है, तो इसको भी मैंने साइड में रख दिया है। तो इसको जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये अंदर के क्लॉथिंग को हमको निकालना है। तो क्लॉथिंग को निकालने के लिए तो यहाँ पे जो है अगर आप इसको थोड़ा सा ये करोगे तो आपको दो क्लिप दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना जी। तो ये क्लिप को जो है आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, बस ऐसा प्रेस कर दोगे तो ये निकल जाएगा। बस इसको थोड़ा सा खींचिए बाहर, जी हाँ, बाहर खींचने के बाद ये जो है आसानी से जो है अलग हो जाएगा। तो इसको हमने अलग कर दिया, सेम तरीका जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, बस इसको थोड़ा सा खींचिए, जी हाँ, और ये भी निकल गया। और अब आती है बारी अंदर के कवर की। तो इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा इसके साथ आपको फाइट नहीं करनी है और खींचमतानी ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि ये फटने के चांसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक पतला सा स्पॉन्ज रहता है इसके अंदर, तो वो स्पॉन्ज जो है अगर आप ज़्यादा तेज़ी से अगर खींचोगे तो वो फट भी सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुली के साथ जो है आपको इसको निकालना है। तो बस यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे आसानी से जो है अगर आप इसको ऐसा ये करोगे तो ये आसानी से जो है बाहर आ जाएगा, देखिए। तो देखिए ये रहा अंदर इसका थर्माकोल, बस इसको तो कुछ नहीं करना क्योंकि ये जो है ग्लू के साथ अंदर चिपका हुआ होता है, तो इसको आप निकाल भी नहीं सकते, बस इसको जो है आप साइड में रख दीजिए। और ये रहा आपका स्पॉन्ज जो कि अंदर एक कवर जैसा होता है, क्योंकि इसको आपको धोना पड़ेगा। अगर आप चाहो नॉर्मल जो है डिटर्जेंट में जो है डिटर्जेंट के साथ आप धो सकते हो, या फिर कोई सर्फ आप ले लीजिए, सर्फ में बस आप उसको 1 घंटा 2 घंटा आप इसको भीगने रख दीजिए तो उससे भी काम चल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा रफली अगर थोड़ा सा ब्रश लगाना चाहते हो तो वो भी आप इसको लगा सकते हो। तो
तो चलिए मैं इसको पहले वॉश कर लेता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको इसको धोने के बाद। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो है ये अंदर से जो इसका स्पॉन्ज का जो पार्टिकल होता है मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है, और अगर आप देखना चाहो तो आप इसको देख सकते हो कि अच्छी से साफ हो चुका है। और मैंने इसको सॉफ्टली जो है थोड़ा सा ब्रश भी मैंने इसके ऊपर लग रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये गंदा था। ओके सो मैं इसको रख देता हूँ साइड में, और ये भी जो है मैंने धो दिया हूँ तो इसको मैं भी यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। ये दोनों को जो कि इसको एयर कुशन हम मतलब ईयर कुशन हम इसको कह सकते हैं, तो मैं इसको रख देता हूँ साइड में। तो चलिए इसको फिट करते हैं, और इसका फिट करने का तरीका बहुत ही आसान है। और सबसे पहला जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इसको फिट करने के लिए जो है आप इसके अंदर का जो कवर होता है पहले आप उसको फिट कर लीजिए, क्योंकि वही थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन होता है और फिट करने के टाइम पे जो है वही ज़्यादातर जो है अड़चन पैदा करता है। तो सबसे पहला मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अंदर का कवर जो है आप उसको फिट कर लीजिए, और बाकी जो साइड के जो कवर्स है वो तो आसानी से फिट हो जाए। तो इसको फिट कैसा करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये जो तीन एरो मार्क जो दिख रहे हैं आपको, एक दो और ये तीसरा वाला बीच वाला, तो इसको जो है आपको सामने की तरफ रखना है। ओके अंदर डाला, ध्यान रखना है कि आपको ये जो तीन जो दिए गए हैं नोकीले जैसा ऑप्शन, एक दो और ये तीसरा वाला, ठीक है, तो ये बीच वाला जो है जाएगा ऐसा बीच में। ओके और ये साइड वाला साइड में जाएगा, इसको आप अंदर कर दीजिए, क्योंकि अगर सामने वाला अगर आराम से अच्छे से बैठ जाता है तो दूसरे जगह भी जो है वो अच्छे से फिट हो जाएगा। ओके सो मैंने इसको यहाँ से फिट कर दिया है, और रही बात साइड में ही, सो साइड का ये अगर आपको दिख रहा है तो इसको जो है बस यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस करके आप इसको यहाँ पे फिट कर दीजिए, और इसको भी ऐसा कर दीजिए, और देखिए दिख रहा है यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, बस इसको भी आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए यहाँ पे, और ये रहा, तो ये वाला जो आपका आपको दिख रहा है तो इसको जो है यहाँ पे कॉर्नर में ऐसा जाएगा। सो ये हो गया, सभी कुछ फिट हो गया है अंदर से, बस इसको आप अंदर से जो है थोड़ा सा हाथ से जो है सेट कर लीजिए। ओके सेट करने के बाद ये रहा आपका अंदर का सेट हो चुका है। ओके तो अभी आपको लेना है आपके ईयर कुशन। तो ये ईयर कुशन जो है आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही जाए और राइट वाला राइट में ही जाए। ओके क्योंकि यहाँ पे दिया गया है निशान एल का, तो ये लेफ्ट का है तो लेफ्ट में ही जाएगा। तो लेफ्ट में बिठाने के लिए पहले जो है आपको यहाँ पे जो केबल ये दिया गया है पहले आप इसमें से इसको निकाल लीजिए अच्छे से, ध्यान रहे ज्यादा खींचेगा मैं, आपको बस इतना करना है कि इसको जो है पूरा ये निकल जाए अच्छे से। ओके और ये साइड में जो है इसके जो क्लिप्स दिए गए हैं आपको इसको अच्छे से प्रेस कर देना है, जैसी चटक जैसी आवाज आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि आपका कुशन जो है बैठ चुका है जगह पे, और यहाँ से आप इसको अच्छे से खींच लीजिएगा ताकि वो अच्छे से अपनी जगह पे बैठ जाए। ओके तो ये रहा, ये अच्छे से फिट हो चुका है, बस थोड़ा सा ये लूज रहेगा, बस उतना चलता है। एक बार चेक कर लीजिए कि सही से बैठा है या नहीं, जी हाँ ये बिल्कुल ठीक तरीके से बैठा है। अब आती है राइट वाले की बारी, सो राइट वाले को जो है आप ले लीजिए, आप इसको जो है इस केबल को यहाँ से आप इसको निकाल दीजिए, ध्यान रहे ज़्यादा खींचमतानी मत कीजिए क्योंकि इससे आपका जो केबल है वो टूटने के उसके चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके जो नोजल जो होते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, क्योंकि ये हेलमेट जो है उतना कीमती तो नहीं है, बस इसको मैंने 1000 रुपीज़ में मैंने इसको परचेज़ किया। तो सबसे पहला ये ध्यान में रखिएगा कि ये दो क्लिप इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही दो क्लिप जो है आपको आपके जो हेलमेट का जो ग्रिप होता है या फिर जो टाइटनेस जो होती है वो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
तो इसको फिट करने के लिए जो है इसका इसमें भी जो है आपको लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही बिठाना है और राइट वाला राइट में ही फिट करना है। ओके, अगर लेफ्ट या राइट या दोनों में से अगर लेफ्ट का राइट में या राइट का लेफ्ट में अगर आप इसमें फिट कर देते हो तो इससे आप ही को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है आप लेफ्ट वाले को लेफ्ट में बिठाएं और राइट वाले को जो है राइट में ही फिट करें। तो इसको फिट करने के लिए जो है बस पहले आप इतना ये ले लीजिए, पहले चेक कर लीजिए कि कौन सा वाला किधर बैठे। जी हाँ, ये देखिए मैंने इसको बिठा दिया है और ये ऐसा बैठेगा। ठीक है, और इसको बिठाने के बाद अपना फाइबर का जो ग्लास होता है आप उसको लीजिए और ये भी जो है ऐसा बैठेगा यहाँ पे। और उसके बाद इसका जो ये वाला जो होता है इसका आउटर मास्क, तो इसको जो है आप यहाँ पे ऐसा रख के इसको फिट कीजिए। और ध्यान रहे कि ये जो है फिट होने के बाद अंदर जो है जो फाइबर का जो होल होता है वो उसमें भी फिट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है अपना ये स्क्रू। ओके, स्क्रू लीजिए, दिख रहा है इसको, तो इसको जो है आपको यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, इसको अच्छे से आप इसको टाइट कर दीजिए। ओके, तो अभी अच्छे से फिक्स हो चुका है, तो आप देख सकते हो बस आपको इसको पकड़ना है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिक्स करना है। जी हाँ, और ये इसको आपको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए इसको, तो बस ये आपका हो चुका है मास्क रेडी। ओके, देखिए कितने अच्छे से जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके यहाँ पे जो एक क्लिप्स हो गए वो क्लिप्स में यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लिप ही। ओके, तो मैं बता दूं कि अंदर की तरफ ये जो क्लिप होता है, ओके, सो ये क्लिप आपका जो है यहाँ पे बैठेगा। ओके, तो आप इसको जो है अच्छे से पहले एक बार फिट कर लीजिए, देखिए चटक जैसी आवाज़ आई है, और ये वाला भी जो है आपका यहीं पे बैठेगा, फिक्स बैठेगा। ओके, सो इसको फिक्स करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका मास्क ठीक से फिट हुआ है या नहीं। बस इसको थोड़ा सा हमने टाइट कर दिया और इसको भी जो है हमने थोड़ा सा टाइट कर दिया। सो वेल, ये देखिए दोस्तों आपका जो मास्क जो है वो कितनी अच्छी तरीके से जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, और आप देख सकते हो कितने अच्छे से जो है मैंने इसको साफ कर दिया है, कहीं भी डस्ट नहीं है। और ये रहा अंदर, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको फिर से मिलता हूँ दोबारा से ऐसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए शबा खैर।